गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम YouTube में ब्यूटी टिप्स की वीडियो देख रही थी। वो सब देखते हुए पेपर पेन लेकर तभी टिप्स लिखते जा रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से, क्या है, क्या कर रही हो? YouTube पर ब्यूटी टिप्स देख रही हूँ सासुमा, ये सब लेकर अपने घर में ही पार्लर ओपन करने की सोच रही हूँ। ये बात सुनकर सूर्यकांतम शॉक होकर, क्या YouTube में देखकर सीखना, क्या है, पागल हो गई हो क्या? आपको पता नहीं है सासुमा, YouTube में जो भी ढूंढो सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो देखो, इस क्रीम को सिर्फ 5 मिनट ही लगाने पर काले से काले लोग गोरे हो जाते हैं, और इस तेल को लगाने पर तभी के तभी बाल आ जाते हैं। देखा ना, आपको भी शॉपिंग लग रहा है ना? बोलती है, जो सुनकर सूर्यकांतम सर पर हाथ रख कर, उनकी बातों को सुनोगी? मेरा ब्यूटी पार्लर खोलना आपको पसंद नहीं है, बोलकर रूट कर बैठ जाती है, जो देखकर सूर्यकांतम, अरे ये फिर से रूट गई, ये कैसी जिद है। ठीक है जाओ, तुम्हें जो पसंद है करो, पर फिर से कोई मुसीबत करके मेरे पास आई तो तब बताऊंगी तुम्हें, बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह ब्यूटी टिप्स सभी लिख कर चंद्रकांतम मन में, सभी टिप्स लिख लिया है मैंने, पर फिर भी सासुमा का कहना भी ठीक लग रहा है, ऐसे ही यूट्यूब वाले भी क्या सभी सच कहेंगे? फिर भी अच्छा है, टेस्ट करके देखे, अभी ये सब किस पर टेस्ट करूं? सोच रही थी, इतने में चीनी वाली सुजाता आकर, चंदू कब चीनी हो दोगी? अरे वाह, टाइम पर क्या बकरी मिली है। चंद्रकांतम मन में सोच रही थी, सूजी चीनी ही ना देती हूँ। तुम्हारे बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं? ठीक से नहीं खा रही हो क्या? अरे नहीं, हर रोज चीनी ठीक से ही खा रही हूँ। चाहे देखो, तुम्हें चीनी का ही ध्यान रहता है, अपने बालों पर कभी ध्यान दिया है तुमने? चलो ठीक है, मेरी सासुमा के पास एक आयुर्वेदिक पेस्ट है, जिसे लगाने पर बाल बहुत अच्छे से आएंगे, कहकर यहाँ वहाँ की बातें करके YouTube में देखकर बनाए हुए पेस्ट को सूर्यकांतम का पेस्ट बताकर लगा देती है। उसे लगाने पर सुजाता के बचे कुचे बाल भी झड़ जाते हैं। आईने में खुद को देखकर सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। अरे बाप रे, मेरे सोने के जैसे बाल को खराब कर दिया, चीनी के लिए आई थी मैं, मेरे सोने जैसे बालों को खराब कर दिया, बिल्ली को भी एक भी दाना नहीं देती, तो मुझे बिना मांगे ही वो पेस्ट लगाओ कि कहने पर ही मुझे समझ जाना चाहिए था, कहकर रो रही थी कि उतने में अंदर बैठी सूर्यकांतम बाहर आकर, क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, कहकर पूछती है। आंटी, सब आपने ही किया है, सब आपने ही किया है। मैंने क्या किया? हाँ हाँ, सब आपने ही किया है, मैं तो चीनी के लिए आई थी, पर नहीं नहीं, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है कहकर आपके बनाए पेस्ट को मेरे बालों पर लगाया, देखो जो कुछ भी था सब चला गया, मेरे बाल पूरे झड़ गए, देखो आपने बनाया है बोलकर पूरे झड़ गए, इतने के वापस भी नहीं आएंगे, फिर भी अभी तक मुझे चीनी नहीं मिली, रोते हुए बोल रही थी। सूर्यकांतम को सुजाता को देखकर रोए या हंसे समझ नहीं आ रहा था, अपनी शक्ति से वहाँ पर क्या हुआ था जान लेती है। सूर्यकांतम को सब समझ आ जाता है, तुरंत ही अपने पास से मैजिकल हेयर ड्रायर लेकर आती और उससे सुजाता के झड़े हुए बालों को वापस ले आती है, जो देखकर सुजाता खुशी से कूदते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे काम के लिए और उसका नाम उपयोग करने पर सूर्यकांतम चंद्रकांतम को कहती है, अरे मैंने तुम्हें बताया था पागलों जैसे काम करके मेरे पास आओगी, तो देख लेना क्या किया तुमने, बोलकर बहुत डांट कर समझाती है। चंद्रकांतम रोने सा मुंह लेकर बाहर आ जाती है। ये सब अवतार राम खिड़की में से देख लेता है। दुखी चंद्रकांतम के पास जाकर कहता है, बुचाकी बुचाकी, क्या हुआ दीदी, दुखी हो रही हो? दुखी?
बिल्कुल नहीं, ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत देखी है। तुम क्या भाई कहाँ हो? दीदी खिड़की में से मैंने जो कुछ भी हुआ देख लिया। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है दीदी। मैं एक बहुत बड़े डॉन को जानता हूँ। उसके पैदा होने के समय से ही उसके सर पे बाल नहीं है। अगर इस मैजिकल हेयर ड्रायर से उसके बाल आ जाए तो हम लोगों को करोड़ों रुपये देगा दीदी, कहता है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही अपने सास को बिना बताए उस मैजिकल हेयर ड्रायर को चुरा लेती है। उसे लेकर चंद्रकांतम और अवतार राम दोनों मिलकर डॉन के पास जाते हैं। जाकर डॉन को सब कुछ बताकर करोड़ों रुपए का डील पक्का कर लेते हैं। बॉस आपके बाल वापस आ गए तो करोड़ रुपया दूंगा, कहा था ना आपने, हम वापस लाएंगे। करोड़ रुपये देंगे क्या? एक नहीं 2 करोड़ दूंगा। मेरे सर पर अगर बाल लेकर आओगे तो। डॉन के बोलते ही चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाए, तुरंत ही डील ओके कर लेती है। अपने पास से मैजिकल हेयर ड्रायर निकालकर डॉन के सर पर बाल ले आती है, जो देखकर डॉन हैरान हो जाता है। सिर पर बाल आने से डॉन और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। बुचाकी बुचाकी, आपके सिर पर बाल आ गए हैं ना, हमारे पैसे हमें दिलवा दो, पूछता है। तब डॉन, इसमें तुम्हारा क्या है? सब कुछ उस मैजिकल हेयर ड्रायर ने ही किया है। चुपचाप वो मुझे देकर यहाँ से चले जाओ। क्या है जी, बालों के आने पर पैसे दूंगा कहा था ना आपने, अब वादा क्यों तोड़ रहे हो? वादा न तोड़ने के लिए मैं क्या सत्य हरीश चंद्र हूँ? डॉन हूँ डॉन। बगल में खड़े अपने साथियों से ऐसा कहता है। इनके पास से उस हेयर ड्रायर को छीन कर इन्हें बंदी बना लो, कहता है। जो सुनकर चंद्रकांतम को बंदी बनाने के लिए, तब चंद्रकांतम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी सास को जोर से याद करती है। सासु मां। तुरंत ही सूर्यकांतम अपने मैजिकल हेयर ड्रायर में आग ले देती है, जिससे वो हेयर ड्रायर डॉन पर गिरकर चिंगारियां फेंकने लगती है। इस तरह उनके पूरे डेन को जला देती है। सही समय देखकर चंद्रकांतम और अवतार राम उस मैजिकल हेयर ड्रायर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। पूरी बात पता करके सूर्यकांतम, अवतार राम और चंद्रकांतम सौ उठक बैठक करने का पनिशमेंट देती है। अगर तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझकर कम उठक बैठक किया तो ये मैजिकल हेयर ड्रायर आग बरसाएगी तुम लोगों पर, बोलकर वहाँ